अपना परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बिहार का फेमस दूध पुआ। तो उसको दूध पुआ के लिए मैंने ले लिया, आधा लीटर दूध ले लिया है, मैंने गुड़ ले लिया है, और मैं चावल को भिगो के और मैंने पीस लिया है, और मैं इसको पानी, अब मैंने पानी भी लिया है। तो चलिए हम इसको हम पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार करते हैं। देखिए मैंने पानी डाला है, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है, इसको पेस्ट को पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है, तभी हमारा दूध पुआ फूल फूल के बड़े बड़े होंगे। अब मैं इसको तावा में बनाएंगे, हमारे मिट्टी के होता है बर्तन, उसमें बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो हम अब तावा पे ही बनाएंगे। तो देखिए हमारा पेस्ट तैयार है, अब हम गैस जलाते हैं। गैस को जला लिया है, दूध को हम गर्म होने देते हैं, इसमें हम गुड़ डालेंगे। तब तक हम 2 मिनट के लिए से पहले दूध को गर्म होने देते हैं। हमारा दूध गर्म हो रहा है, लेकिन हम इसमें अभी गुड़ नहीं डालेंगे, हम गुड़ डालेंगे, दूध ठंडा हो जाएगा तब हम गुड़ डालेंगे, तब तक हम पुआ बनाना। ये तावा हमारा नॉन स्टिक वाला है, मैं इसको गर्म होने देती हूँ पहले। इसमें थोड़ा सा हम घी लगा देंगे, जिससे हमारा दूध पुआ है, चावल का पुआ पहले बनाएंगे, फिर हम उस दूध में हम डालेंगे, तो उसको दूध पुआ बोलते हैं। हमारे बिहार में का फेमस है ये दूध पुआ। हम इसको लगा लिए हैं घी से, अब हम इसमें ये पेस्ट को रखते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इसको हम पकने देते हैं, 5 मिनट में पक कर रेडी हो जाएगी। मैं इसे ढक देती हूँ, जिससे हमारा पुआ बनकर रेडी हो जाए। इसमें देखिए हल्का हल्का बबल सा आ रहा है, इसमें देख रहे हैं, ये बबल सा आएगा ना तो इसमें ही दूध घुसेगा इसके अंदर, तब सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा चावल का पुआ रेडी होगा। अभी थोड़ा और पक जाने देते हैं। मैंने गुड़ को ऐसे ही रखे, छोटा छोटा है, तो इसमें पानी डालेंगे। मैंने गर्म पानी कर लिया है 1 गिलास के लगभग, अब इसमें हम डाल देते हैं, तब तक ये मेल्ट हो जाए। अब इसको हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। चलिए दूध पुआ साइड साइड से छोड़ दिया है, हमारा दूध पुआ बनकर रेडी है, ये देखिए। अभी हमारा पक चुका है, अब इसको हम प्लेट में हम रख देते हैं। इसी तरह हम सारे को बना लेंगे लेंगे इसको ढक देंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मैंने इसमें इनो डाल दिया है, जिस हमारा ही बिल्कुल पुआ रेडी है। इसी तरह हम सारे को बना लेते हैं। ये देखिए हमारा गुड़ बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको हम इस तरीके से हम तोड़ लेते हैं, पेस्ट को हम तैयार कर लेते हैं। इसको इसमें हम गुड़ को डाल देंगे, जो गुड़ मैंने ले रखा था, गुड़ को डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, देखिए कलर चेंज हो गया। अब जो मैंने पुआ जो बनाया है, ये सारे पुआ बनाया है, इसको हम दूध में डालेंगे, जिससे हमारा ये फूल कर बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम स्पॉन्ज या नरम नरम हो जाएगा। इसको हम 10 मिनट के लिए हम सेट होने के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा चावल का दूध पुआ बनकर रेडी है, अब बिल्कुल परफेक्ट, अब बिल्कुल स्पंजी बनकर बन चुका है। ये देखिए बिल्कुल स्पंजी है, अब बिल्कुल बढ़िया से इसके अंदर दूध घुस गया है, अच्छा से मतलब सेट हो चुका है। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें। नमस्कार।